नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीके गुरु जी स्टडी पॉइंट में। आज की शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन की स्पीड होगी 80 वर्ड प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा के दौरान लगभग प्रत्येक सदस्य ने देश में परमाणु ऊर्जा के विकास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। स्वाभाविक है कि यह विषय प्रत्येक व्यक्ति की कल्पना शक्ति को उत्तेजित करता है और ऐसी राय है कि कम से कम इस मामले में हम पीछे ना रहें, जैसा कि औद्योगिक क्रांति के समय हुआ था। जो हमारे साधन हैं उन्हें देखते हुए मैं इसमें अधिक कुछ नहीं कह सकता कि हमारा पीछे रहने का कोई इरादा नहीं है। पैराग्राफ। ज्ञान और खोज के इस नए क्षेत्र में बराबर रहने की सैद्धांतिक और व्यावहारिक आवश्यकता के अलावा हमारे लिए भारत में ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के लिए कोयले और तेल के इस्तेमाल के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन गंभीर बात यह है कि यदि हम अपने ऊर्जा स्रोतों का संयुक्त राज्य अमेरिका की गति से उपयोग करें तो शीघ्र ही वे समाप्त हो जाएंगे। हमने पहले जितना सोचा था अब उससे अधिक तेल मिलने की आशा है और मुझे विश्वास है कि भारत के कई भागों में तेल मिलने की संभावना है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी ऊर्जा क्षमता जनसंख्या की तुलना में अधिक नहीं है। हमारी समस्या इस पीढ़ी तक ही सीमित नहीं है, हमें भविष्य के लिए भी निर्माण करना है। पैराग्राफ। जहां तक दिखाई देता है ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को छोड़कर परमाणु ऊर्जा को ही मुख्य स्रोत होना है, अतः परमाणु स्रोत से ऊर्जा पैदा करना हमारे लिए अत्यंत व्यावहारिक महत्व का है। आश्चर्य की बात है कि केवल 3-4 वर्ष पहले तक लोग ऊर्जा के लिए परमाणु ऊर्जा प्रयोग करने के बारे में अनिश्चित ढंग से बात करते थे। शायद ही किसी देश में निश्चित योजना थी। कुछ देशों में तो इन वर्षों में इतनी तीव्र गति से उन्नति हुई है कि अब परमाणु ऊर्जा को बिना किसी विवाद के स्वीकार कर लिया गया है। पहले यह सोचना ही कि उसे आसैनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है काल्पनिक लगता था। अब यह मान लिया गया है कि यह एक मितव्यय साधन है। यदि आप ऊर्जा के स्रोत यथा कोयले या पन बिजली के समीप हैं तो आप वहां परमाणु बिजली घर नहीं बनाएंगे।
लेकिन दिल्ली जैसी जगह के बारे में सोचिए। यहाँ दूर से कोयला लाना पड़ता है। फुल स्टॉप। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो सब्सक्राइब और लाइक करिए। धन्यवाद।